असम में लगातार हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट पड़ी है। बारिश के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से मुसीबत दोगुनी हो गई। जिसकी कुछ तस्वीरें डिब्रूगढ़ से सामने आई। शहर में हालात इतने खराब हो गए कि सड़क का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। कुछ लोग एक नाव पर बैठकर वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। शहर में इतना पानी भर गया कि एक जगह पर खड़ी कुछ गाड़ियां पूरी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आई। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा का पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो गया। शहर के दूसरे इलाकों का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। कुछ मकानों के अंदर पानी भर गया और वहां रखा सामान भी पानी में डूबा हुआ नजर आया, जबकि सड़कें भी पानी से भरी हुई नजर आई। हालांकि पानी भरा होने के बाद भी कुछ लोग वहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। बारिश की वजह से सीआरपीएफ मुख्यालय में भी पानी भर गया, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह भेजा गया। 171 सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे जितना भी कांस्टेबल्स है वो लोग मने मनकटा में शिफ्ट हो गया। हरियाणा के यमुनानगर में एक बदमाश ने घर में घुसकर महिला पर हमला कर दिया। आरोप है कि ये बदमाश चोरी के मकसद से मकान के अंदर घुसा था, जिसके लिए उसने मकान के पीछे बनी दीवार फांदी और अंदर घुस गया। मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी ये हरकत रिकॉर्ड हो गई। हाथ में चाकू लिए इस बदमाश ने अंदर घुसते ही वहां मौजूद महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बुरी तरह से घायल महिला की आवाज कोई न सुन ले, इस वजह से बदमाश दरवाजा बंद करने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर महिला वहां से भाग गई। और पकड़े जाने के डर से बदमाश भी तुरंत मकान के मेन गेट से बाहर निकलकर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद महिला पास के एक मकान के बाहर मदद मांगने पहुंची और गेट पर ही बेहोश होकर गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई और बदमाश की तलाश तेज कर दी गई। जैसे ही हमें पता चला पुलिस की टीम मौके पे आई है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ पाएं।